अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पता है मामी जी, मुझे ना घर जमाई बनकर ही रहना पसंद है। क्यों? सासू माँ के हाथों से डिलीशियस फूड, यू यम्मी मजा आ जाता है। ये डिजीज का होता है जी? डिजीज नहीं, वो पकवान, ये जो आप बना रही हो ना, ये पकवान, पकवान खाने में मजा आता है। और वैसे भी आपके हाथ में जादू है, बंद है, मुझे यही रहना है। लेकिन बहुआ, सुमन तो ब्याह के भागलपुर चली जाएगी, फिर तुम यहाँ कैसे रहोगे? अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए, बहन के साथ रहने का इरादा है। लेकिन नंदन बउआ, ससुराल में घर जमाई को तो फिर भी एक बार को इज्जत मिल जाती है, लेकिन बहन के भाई को राम 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 राम। अच्छा, तो तू यहाँ मामी जी के साथ गप्पे मार रहा है? नहीं, फ्यूचर प्लान डिस्कस कर रहा था। ला अभी चाय दे ना। अभी चाय नहीं मिलेगी, पहले जाओ और जाके नहा ले। भागलपुर में बिना नहाए कुछ भी कर लेता था, लेकिन ये सब यहाँ इस घर में नहीं चलेगा। ओके सर जी, तो जाओ, जाके नहा लो। देखा, अभी एक ही दिन हुआ है और बहन लगी बोलने। तो बउआ, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो बहन को सबसे पहले खटकोगे। अरे मामी जी, खटक तो ये मुझे बचपन से रही है, जब से पैदा हुई है मेरे साथ। मैं तो यही रहूंगा, देख लेना। ये तो ऐसा ही है। वो मामी जी, हम सब ने ना अंशुमन भैया और सुमन की शादी के बारे में नंदन को कुछ नहीं बताया, तो प्लीज आप भी कुछ मत बताइएगा। माँ ने रिक्वेस्ट की है, वो माँ ना खुद उसे सरप्राइज देना चाहती है। हमको कहाँ पड़ी है, हम नहीं बताएंगे। थैंक यू मामी जी। थंकू सरप्राइज, कितना पटर पटर अंग्रेजी घुसा देती है भाई। जब सबको पता है, नंदन को भी पता है कि सुमन ब्याह के भागलपुर जाने वाली है, मैं सरप्राइज का हुआ। हाँ सुमन, सब ठीक है ना? अंशुमन जी, वो हमें आपसे मिलना है, अर्जेंटली। अर्जेंटली? लेकिन ऐसी क्या बात है सुमन, नंदन ने कुछ किया क्या? नहीं अंशुमन जी, वो सुरभी माँ ने हमारी शादी तय कर दी ना, तो बस उसी सिलसिले में बात करनी थी आपसे। ओके, आई गेस मॉम ने तुमसे बात की होगी। लेकिन आपने और हमने तो इस बारे में बात नहीं की ना, तो क्या ये सही नहीं रहेगा कि हम भी आपस में एक बार बात कर लें? हाँ सुमन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अगर तुम कोई बात करना चाहती हो तो बताओ। आपको हमसे मिलना होगा अंशुमन जी, हम आपसे मिलकर बात करना चाहते हैं। क्या आप हमसे मिलने सुल्तानगंज आ सकते हैं? अब ठीक है, मैं आ जाता हूँ। हाँ अंशुमन जी, लेकिन सुनिए ना, घर पर नहीं, कहीं बाहर अकेले में। ठीक है, तुम मुझे बता दो कहाँ आना है, मैं वहां जाऊंगा। जी, हम आपको लोकेशन सेंड करते हैं। ठीक है, तुम लोकेशन सेंड कर दो, मैं वहां पहुंचता हूँ, मेरा इंतजार करना। थैंक यू। ओके बाय। सुमनिया अकेले में क्यों मिलना चाहती है अंशुमन जी से?
मुझसे क्या बात करनी है सुमन को, वो भी अकेले में। ये अंशुमन जी किससे मिलने जा रहे हैं? आई एम सो सॉरी सुमन, मैं इतना बेवकूफ हूं कि हमारी शादी की बात हो गई, शादी फिक्स हो गई और मैंने अभी तक तुमसे कोई बात ही नहीं की। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। वो माँ ने मेरी मर्जी जाननी चाहिए और सुमन मैं ऐसा ही हूँ, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप्स, लेकिन तुमने बिल्कुल सही किया जो मुझसे बात करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया, क्योंकि जब हम एक नए रिश्ते एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं तो एक दूसरे के लिए आउटस्पोकन होना, आई मीन एक दूसरे से खुलकर बात करना अच्छा होता है, ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से समझ सके। अब बताओ क्या कहना चाहती हो? अंशुमन जी, हम कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें। अंशुमन जी, बात दरअसल ऐसी है कि ये शादी ना, क्या हुआ सुमन, तुम बोलते बोलते चुप क्यों हो गई? कहो क्या कहना चाहती हो? कम ऑन यार, मैं हमेशा पीछे क्यों रह जाता हूँ? You know, I mean, like bad bachelor. क्या मतलब? मतलब ये कि बिग बी ना फिर से बाजी मार गए। रिलैक्स रिलैक्स, तुम क्यों टेंशन में आ गई मेरे बहन की ननद जी? माँ और पापा ने ऑलरेडी परमिशन ले ली है। परमिशन? मैं सोचा ये खुशखबरी सबसे पहले आके मैं सुमन जी को बताऊं, बट पिप्पी तो पिप्पी है, यहाँ भी बाजी मार गए आखिरकार। कम ऑन यार पिप्पी। नंदन, तुम्हारी ये सस्पेंस बनाने की आदत कब जाएगी? क्योंकि तुम्हारी बात ना मैं समझ पा रहा हूँ ना सुमन। अब बातों को घुमाओ मत और सीधा सीधा बताओ क्या बात है। एक मिनट, मतलब आपको भी नहीं पता कि हम सब लोगों ने प्लान बना लिया है किशनगंज जाने के लिए, क्यों? कुल देवी की पूजा के लिए, और माँ ने सुमन को भी ले जाने का फैसला किया है, तो सभी लोग सुमन के घर पे इंतजार कर रहे हैं। चले बीपी? चलो चलो, आओ सुमन चले। अंशुमन जी ने कहीं सुरभि माँ को बता दिया कि हमने उनको यहाँ मिलने के लिए बुलाया था तो हमारे लिए और बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी। समझ नहीं आ रहा है कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करें। लो बिग बी, चले लेट्स गो, कम ऑन।